सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। तो आज हम रोज़ा है बहुत अच्छी तरह और हालत ख़राब है, और हम अभी ट्रेन स्टेशन पे हैं। हमारे जो ट्रैवल व्लॉग्स होते हैं वो बहुत हिट होते हैं, इसलिए हम आज वापस बना रहे हैं, क्योंकि आज हमारा यहाँ से ट्रैवल है वापस गोरखपुर। लेकिन आज हम जा रहे हैं पनवेल से, और ट्रेन की स्थिति दिखाते हैं हम आपको। ये है ट्रेन की स्थिति, इंडियन रेलवे। और ये हमारे बैग्स देख सकते हैं, ये मम्मी जी, और ये भाई मुँह छुपाता हुआ। ये भाई देख इधर, ये हैंडसम बॉय, हैंडसम बॉय। और ये हमारे बैग्स देखो, आपको जब भी बैग्स लेके जाना हो तो थर्ड एसी बुक करो और दबा के सामान लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम लोग ट्राई करने वाले कितना सामान होता है। टोटल 15 बैग्स है, हाँ सर का घंटा। तो अभी 15 अपने पास है, देखते हैं क्या होता है। अभी ट्रेन आई नहीं है, 3 बजे का टाइम था बट ट्रेन आई नहीं है, तो आपको अपडेट देते हैं। तो गाइस हमारी ट्रेन आ चुकी है, तो देख सकते हो। और पूरी ट्रेन भरी हुई है, अब आधा घंटा लगेगा खाली होने में, और उसके बाद हम अपना सामान लेके चढ़ेंगे। अब देखते हैं कि हमारा सामान सब सेट हो पाता है कि नहीं, वो सबसे बड़ा चैलेंज है। बिकॉज़ हमने सामान तो लेके आ गए 3 लोगों में बहुत ज़्यादा, बट देखते हैं, लेट्स सी, हो जाएगा इंशाल्लाह। सो गाइस ट्रेन आ गई है, हम अपना चेक करने जा रहे हैं। हमारा B2 तो दिख रहा है मुझे, बट अभी क्या दरवाजे बंद हो गए, बिकॉज अभी क्लीनिंग होगा, फर्स्ट आफ्टर क्लीनिंग सब कुछ होगा। तो हम लोग भी अभी इधर शिफ्ट होने वाले, पहले मैं देख लूँ कि हम लोग का लाइक जो नंबर है, ओके 41 to 48, ये हमारा नंबर यहाँ पे है। देखो अभी क्लीन होगा, तो ये हमारे ज़्यादा पास है, तो यहाँ पे लाके खड़ा कर देते। ऑलरेडी लोग आके खड़े हो गए हैं। सो गाइस हम बैठ गए, बहुत मशक्कत के बाद हम लोग बैठ गए। बहुत सामान, देखो मैं सामान दिखाता हूँ, सामान नहीं दिखाने का, लोगों को समझ आएगा कि स्लीपर का एसी थर्ड में भी क्या हाल होता है। अच्छा, नहीं नहीं ऐसा डराने का नहीं, ऊपर का भर दिया हम लोगों ने। अब्बा यहाँ बैठे हुए, देखो सामान यहाँ तक पूरा भरा हुआ है, सब सामान के साथ एकदम फुल पैक आए हुए हैं। AC 3 का मजा ले रहे हैं हम लोग। अभी AC 2 में जाने का प्लान कर रहे हैं अगले साल। तो अभी सफ़र स्टार्ट हो गया है, अब TT का आएगा तो बताते हैं क्या बोलता है TT। चलो 4 महीना 6 महीना। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कल हम आगे का वीडियो नहीं बना पाए, हम सो गए, अभी भी हम सो रहे हैं। अभी देखो मम्मी वहाँ पे सो रही है, तो कहाँ करी पिताश्री जी नीचे, और हम अपने इस पे अब सीधा उठेंगे हम लोग 4-5 घंटे बाद, उसके बाद आपको नज़ारे दिखाएंगे पक्का। तो बने रहिए ब्लॉग के साथ। सो गाइस हमारी अभी गुड मॉर्निंग हो रही है, और हम बहुत सोए, मुंह सूज गया है पूरा। अब इफ्तारी का टाइम होने वाला है, और अभी हम गोंडा पहुंच गए और टाइम पे पहुंचेंगे आज घर पे, 11 बजे पहुंच जाएंगे हम गोरखपुर। तो सफ़र में, ये वाले सफ़र में तो मज़ा नहीं आया, बिकॉज बहुत गर्दी है, सोते सोते जाना पड़ रहा है, और थर्ड टायर में इतना गर्दी है, बहुत बेकार। सो गाइस शायद गोंडा में ये चेंज हो रहा है इंजन, बिकॉज अभी तक हमारी गाड़ी 1000 से ज़्यादा किलोमीटर कवर कर चुकी है, और बहुत ही प्यारा सनसेट हो रहा है, मैं दिखाता हूँ, देख सकते हो सनराइज, जूम करके दिखाते हैं, इसमें जूम का फंक्शन भी है, लवली ना, बहुत प्यारा है। तो अभी टाइम है, अभी 6 बजा है, अभी 6 बजे इफ्तारी 6:55 की है, लेकिन हम लोग कैसा कॉल करके कर पूछते हैं दोस्तों से, वो लोग बोलते हैं हाँ हो गया टाइम, तो हम लोग करते हैं। अभी ट्रेन में बैठे हो और सब लोग ऑल टोटल थर्ड AC ना लाइक स्लीपर क्लास जैसा हो गया, एकदम भरा हुआ है, बिकॉज सब लोग गाँव जा रहे हैं, और सब लोग ने एकदम सामान भर लिया है शादी के लिए। शादी में सब, आधे से ज़्यादा हमारे नियर बाय सब शादी में जा रहे हैं, और हम भी खुद शादी में जा रहे हैं, तब सब ने भरा हुआ है। अभी देखते हैं, अभी तो टाइम है, अभी मैं ऑलमोस्ट रात में सोया हूँ और अब जाके बाहर आया हूँ, मतलब ऑलमोस्ट समझो कुछ नहीं तो 10 घंटा सोया हूँ,
अब बाहर आए हो, अब निकलेंगे, अब कब निकलती क्या मालूम, देखते हैं। हेलो हेलो सबुआ, यार बीच में सबुआ क्यों आता है? सीधा पकड़ो। सबुआ से माँ से तो प्यार करता ही नहीं है। हेलो साहेब, हिमालिया का फोटो भेजना, वीडियो। अरे हिमालिया को ध्यान से देखना, कुछ भी हुआ ना दुलाई कर दूंगी तेरे को। सो गाइस, तभी हम टूर नहीं दे पाए थे आपको कि ट्रेन कैसा है, बिकॉज बहुत गर्दी थी, बहुत ज़्यादा। तो ये देख सकते हो, ये है इसका आईना, ये है वॉश बेसिन, ये है बाथरूम। और बाथरूम ना ही देखो तो अच्छा है, बिकॉज लाइक उतना अच्छा नहीं है। और ये कुछ एरिया है जहाँ पे वो लोग सोते हैं, जो यहाँ पे काम करते हैं एम्प्लॉय और नॉर्मल लोग भी सोते हैं। तो अंदर का दिखाता हूँ आपको। अंदर का सब कलेक्ट हो रहा है, देखो यहाँ पे जमा हो गया है जो हम लोग ने उड़ा। देखो दोनों के दोनों सोए हुए हैं मस्त अभी। अभी क्योंकि एक घंटा डेढ़ घंटा है अभी पहुँचने को, और फिर से मजदूर कूली करेंगे, हम कूली बनेंगे। लेकिन इस टाइम नहीं, इस टाइम कूली वाला रखने वाला हूँ मैं। मामा ने बोल दिया एक बंदे का 100 रुपये लगेगा, मेला ठीक है दे दूंगा मैं कूली के लिए यार। तो अभी उतरेंगे एक घंटे में, फिर आपको आगे कहानी बता देंगे। सो गाइस, अभी हो गए हैं ऑलमोस्ट 11:30, और खाली 6 किलोमीटर दूर है गोरखपुर से, और ट्रेन रुक गई है और ना आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही बिल्कुल। और हम लोग इंतज़ार कर करके पक गए सब लोग के सब। और ये स्टेशन भी कैसा है देखो, पूरा सुनसान। और यहाँ के स्टाफ से पूछो तो बोल रहे जब तक सिग्नल नहीं देगा ट्रेन आगे ही नहीं बढ़ेगी। और क्या चल रहा है क्या मालूम। और मेरे मामा वहाँ पर आ गए गाड़ी लेके, और ये ट्रेन ही आगे नहीं बढ़ रही बिल्कुल। अब इनके पर्सनल रीज़न होंगे पता नहीं, लेकिन इस वजह से लेट हो जाती है। मतलब 11 बजे का टाइमिंग था और 11:30 हो गया ऑलमोस्ट। मेरे को लगता है 12 बजे शुरू होगी, 1 बजे 12 बजे स्टार्ट हो रही है, तो समझो 12:30 पहुँचेगी वहाँ पे फिर हम लोग को लेके जाने में। मैंने सोचा था 1 बजे तक पहुँच जाएंगे, बट अब नहीं। अभी घर जाके नहाओ धो, फिर खाना खा के, फिर नमाज पढ़ के सोएंगे और क्या। और कल आपको मेरा गाँव दिखाऊँगा। अभी देखो यहाँ जाते वक्त मैं ट्राई करूँगा व्लॉग करूँ। ये वाला व्लॉग आपको मेरे को लगता है ऐसा, मुझे खुद बोर लगा है, बिकॉज सोते सोते भी पूरा टाइम गया है। मैं खुद सोया हुआ हूँ बिकॉज बहुत गर्दी थी। मतलब थर्ड एसी में हम लोग, थर्ड टायर एसी में थे, बट उसमें भी ऐसा ना स्लीपर जैसा हाल था। मतलब सब लोग गांव जा रहे थे, बहुत सारा सामान लेके जा रहे, उस वजह से एकदम पैक्ड हो गया था। तो मैं उसमें व्लॉग कैसे करूँ, क्योंकि लोग अलग अलग आए हुए थे जो बहुत अच्छे खासे देखते, इसलिए छोटा कैमरा है, नसीब ये है तो हम लोग कर लेंगे। तो अभी कुछ नहीं, अभी इंतज़ार करते हैं ट्रेन निकलेगी, तब आपको दिखाते हैं प्लेटफॉर्म पे जितना हो सके, क्योंकि सामान इतना है कि मेरे को लगता है कि मैं दिखा नहीं पाऊँगा ज़्यादा। तो लेकिन जो भी है आपको मज़ा आएगा। देखो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं व्लॉगिंग, मतलब फिर से गांव में जितना टाइम रहेंगे हम व्लॉग करेंगे, क्योंकि अभी छुट्टी लिया है हमने अपने प्रोफेशन से थोड़ा टाइम, फोटोग्राफी से। जो हमारे पास कुछ छुट्टियाँ पड़ी है उसमें हम लोग सब करेंगे। शादी भी दिखाऊंगा मैं थोड़ा कैसे होता है, जितना पॉसिबल है उतनी चीज़ें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। और आप इन्जॉय करना, क्योंकि हम लोग अभी 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने वाले, 950 पे अटके हुए हैं, और मैं कुछ डाल नहीं रहा इसलिए बढ़ नहीं रहा है। और हमारे जो ट्रेन वाले व्लॉग्स है वो हमेशा टॉप पर चले, अच्छा खासा जाता है व्यूज़। देखते ये वाले मेरे को लगता नहीं जाएगा, बट ट्राई करते जाएगा। आप लोग लाइक कमेंट कर देना, ठोक देना आपको क्या गांव में देखना है, क्या व्लॉग चाहिए, ठीक है। और हमारे पास इस टाइम है कैसा Action 3 है, GoPro मतलब Osmo का Action 3 है, तो सॉर्टेड है, व्लॉग कहीं भी कुछ भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं जल्दी स्टेशन पे गोरखपुर के। तो गाइस फाइनली सिग्नल हो गया, और मैंने वाइड एंगल लगाया है इसलिए वाइड दिख रहा है। तो सिग्नल हो चुका है, और ऑलमोस्ट मैं टाइम बताता हूँ कितना बज रहा है, 12 बजे। मैंने बोला था ना 12 बजे सिग्नल होगा, और 12 बजे ही हुआ।
देख सकते हो बाहर का नज़ारा, अब जाके बढ़ रही है ट्रेन आगे। चलो कोई नहीं, अब जा रहे फटाफट पहुँचते हैं और स्टेशन पे उतर से आपसे बातें करते हैं। हम आ गए, सामान निकालते हुए स्टेशन आ गए। और ये है हमारे मामा जी, हमको लेने आ गए, लाल लाल कपड़ा पहन के सेम सेम। सलाम अलैकुम मामा, कैसे हो? विदेश से आए हो? बहुत अच्छा लग रहा है। चलो अंदर सामान लेते हैं अभी। चलो अभी हम लोग सामान उतार लेते हैं, फिर अब आप लोग से मिलेंगे। गाइस हम लोग उतर गए ऑलमोस्ट 12:30 बजे बराबर, और ये हमारे सारे सामान सेट है। और मामा गए हैं गाड़ी लेके आने उधर से इस सामने, तब गाड़ी आएगी। और मुझे अभी भी लग रहा था मैं रोजे में हूँ, बट ऐसा नहीं है, अभी खाते पीते उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। तो मामा जब तक आएंगे हम कॉफ़ी पियेंगे और कॉफ़ी पी के नींद भगाएंगे। बस आज का जो दिन है, बोला जाता है आज जागने की रात है, तो हम जागेंगे काम कर कर के। अच्छा ये भाई बहन का प्यार ना, नानी देखेगी, नानी को दिखाऊंगा। अरे आ जाओ बोलो। हमारी गाड़ी आ रही है फाइनली इतना टाइम बाद। सलाम अलैकुम मामा, आई अल्लाह ये तो सुपरमैन गाड़ी है बा। अब यही गाड़ी से हम लोग पैकिंग करेंगे। अरे यार लाइट ही नहीं दिख रहा, यही गाड़ी से हम लोग पैकिंग करके निकल जाएंगे। तो हम लोग मिशन में कामयाब होते हैं कि नहीं देखते हैं। तो गाइस फाइनली अभी पहुंचेंगे और ये सुनसान रास्ता देख सकते हो, इसलिए कभी भी आओ तो इधर से रात में यहाँ मत घूमो। तो यहाँ पे ब्लॉग को करते हैं एंड, मिलते हैं अगले कोई ब्लॉग में, बिकॉज अभी शहरी का टाइम होने वाला है और हमारे पास टाइम नहीं है। तो मिलते हैं, बाय बाय।